हेलो, सबसे पहले ये लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए दो भाई, और ये घंटी दबाए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ आपका ईशान बारिया दो भाई से, और आज मैं आपको एक नई टेक्निक बताने जा रहा हूँ, नया फीचर बताने जा रहा हूँ इस ब्लॉग के जरिए। तो हालांकि मैं एनिमेशन करता हूँ और आर्ट बनाता हूँ, तो मैं आपको एक फीचर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो है AI फीचर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो एक ऐसा है कि उसमें आप कुछ भी टाइप करो, जो भी आपके माइंड में आ रहा है, जो भी आपके थॉट प्रोसेस है, उसको आप टाइप कर दो तो उससे रिलेटेड इमेजेस आ जाती है, और वो इमेजेस कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आप कोई बंदा सोच रहे हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि वो वैसा हो, ऐसा वैसा वैसा, तुम उस पर टाइप करो, वो तुमको इमेज बना के देगा, वो साइट तुम्हें इमेज बना के देगी। वो मैं अभी दिखाऊंगा कि कौन सी साइट है, कैसे है। और फन फैक्ट ये है कि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, रियल लाइफ में वो है ही नहीं। उसमें कई ऐसे करेक्टर है जो लगे कि रियल है, लेकिन वो है ही नहीं, वो दुनिया में कहीं नहीं है, वो AI के थ्रू अपना कैलकुलेट होके बने हैं, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो। तो चलिए डायरेक्ट उसी पे चलते हैं और मैं आपको इसका फन दिखाऊं कितना अच्छा लगता है। और इसके हेल्प से मैंने एक पोर्ट्रेट भी बनाया है गांधी जी का, तो वो भी मैं आपको शो करता हूँ। तो ये है डेली या डॉली या डेली डाली, डाली भी बोल सकते हैं। तो आप इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं तो आपको वो इमेजेस आ जाएगी जैसे लोगों ने टाइप किया है, जैसे 3D रेंडर ऑफ क्यूट ट्रॉपिकल फिश इन एन एक्वेरियम ऑन अ डार्क ब्लू बैकग्राउंड डिजिटल आर्ट। तो ये इस टाइप की इमेज आ गई है, तो ऐसे ही हम भी कुछ टाइप करते हैं और उसको सर्च करते हैं। अब जैसे कि मैं कुछ भी सर्च करूं, साइबर वॉरियर, अब आप क्या देखना चाहते हो कि मतलब जैसे मैं, चलो हनुमान कर लेते हैं, हनुमान, ठीक है इतना। और अगर आप जिस आर्टिस्ट का नाम जानते हो वो भी लिख सकते हो, जैसे ये मैंने लिख दिया, चलो इतना बहुत है, अब और क्या लिखूं। अब इसको जनरेट करके देखते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा। ये थोड़ा लोडिंग टाइम लेगा, लेकिन काफी के मुकाबले थोड़ा जल्दी ही लेता है। अब देखते हैं क्या आता बन के। ये देखो ये आ गया, मेरे को ये अच्छा लग रहा है। इसमें हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मतलब खुद। तो एक तरह से मतलब उस हिसाब जो हमने डाला है उस हिसाब से बन बन के आ जाते हैं। अगर मैं इसको और डिटेल में डालूंगा तो और डिटेल में आएगा। अगर मैं वॉरियर हटा दूं, साइबर वॉरियर, क्योंकि ये इसी हिसाब का बन के आ रहा है, मतलब मैंने वॉरियर लिखा तो वही कॉस्ट्यूम और ये सब आ रहे हैं। अगर मैं और वो कर दूं तो, अगर देखो थोड़ा लोड लेगा ये, हो जा रे, यू हैव 10, ये देखो ये आ गए। अरे वाह, कितने बढ़िया बढ़िया है, ये देखो एकदम मस्त तरीके से ये आ गए। ये भी अच्छा है, कितने हम इनको मतलब इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। इसको मैं अगर सेव करके स्केच बनाकर और अच्छे से मैं इसको बना सकता हूँ, तो हम स्केचिंग भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ AI। ये एक तरह की कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट आर्ट आ जाती है। कॉन्सेप्ट आर्ट और आइडिया जो आपके माइंड में चल रहा है उससे रिलेटेड काफी सारी चीजें आ जाती है, तो हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं खुद, इसको सेव करके इसमें थोड़ी अपनी डिटेल डाल के और इसको स्केच अच्छा बना के हम इसमें इसको एक परफेक्ट और परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं, बस विद द हेल्प ऑफ AI। यही है
देखा कितना अच्छा इजी हो गया काम। अब ये नहीं है कि किसी के ऊपर डिपेंड हो जाना है या अपना माइंड बिल्कुल हटा देना है। ये देता है मतलब 50-60% तक हमको दे देगा, लेकिन बाद में 40-50% तो हमें खुद को करना पड़ेगा। लेकिन ये बस एक फन है, एक एज अ फन आप दे सकते हो, ये नहीं सोच सकते कि आप इसी पे डिपेंड हो जाओ। नहीं, ये चीज़ गलत है। तो ये भी एक मैं ऐसी चीज मेरे को अच्छा लगता है, सर्च करना, एक्सप्लोर करना, ये सब चीजें देख के ना अच्छा सा लगता है। मतलब कि चलो ये ऐसी ऐसी चीजें आ रही है, मजा आ रहा है करने में। मैं आपको एक दिखाता हूँ, वो मैंने एआई की मदद से बनाया है। तो जो भी गांधी जी हैं उनको मैंने स्केच बनाया है, वो भी मैं आपको शो करता हूँ। वो भी मैंने एआई की हेल्प से किया है, दिखाता हूँ। गाइस ये पेंटिंग बनके तैयार हो चुकी है गांधी जी की। ये हमने एआई की हेल्प से बनाई है, मतलब बेस हमने एआई से निकाला था। तो इसमें मैंने कुछ मॉडिफिकेशन और डिटेल्स ऐड करी है। जो एआई से बनके आई थी वो कुछ इस तरह से थी, ऐसी थी। मतलब इसमें ना तो एक आग भी नहीं थी, ये भी थोड़ा मतलब काफ़ी बस एक बेस है कि हाँ ऐसे। तो इसमें कुछ ऐसे डिटेल नहीं है, होट भी नहीं है, सब कुछ ऐसे मर्ज हो रखा है। तो इस पर फिर हमने डिटेल ऐड करी जो कि हुई ऐसी। तो गांधी जी की इमेज बनाने के बाद अब हम आते हैं एक और नए काम पे। जो मेरी भाभी जी हैं वो कनाडा रहते हैं, तो उन्होंने मेरे को कुछ इमेजेस भेजी थी वहाँ के, मतलब रोड की अच्छी लोकेशन अच्छी थी वहाँ की। तो मैंने बोला ऐसे कुछ और इमेजेस क्लिक करो, वीडियोस बनाओ, अच्छा लगता है। तो उन्होंने मेरे को दो इमेजेस भेजी, उनका एक छोटा सा बेटा है तो उसकी भी इमेज भेजी। तो बोल रहे थे उन दोनों को मर्ज कर दो कि वो इधर खड़ा हो जाए ऐसा लगे। तो चलो मैं तुमको दिखाता हूँ इमेजेस क्या है और वो मर्ज होने के बाद कैसी लगेगी। आइए उनको भी एडिट करते हैं। अब पहली बार उन्होंने कुछ बोला है ऐसे एडिट करने के लिए, तो फर्ज तो बनता ही है कि बना के। तो उन्होंने जो मेरे को इमेज भेजी थी वो ये थी, ये कनाडा की है। ये मेरे को काफ़ी अच्छी भी लगी थी क्योंकि दिखने में काफ़ी सुंदर है। हालांकि ये व्हाट्सएप पे भेजी है तो इसकी रेजोल्यूशन थोड़ी डाउन हो रखी है, और डॉक्यूमेंट करके भेज सकते थे लेकिन वो पहले से ही रेजोल्यूशन डाउन था क्योंकि ये शायद स्नैपचैट या नॉर्मल कैमरे से नहीं है, स्नैपचैट से सॉरी, या फिल्टर लगा के इस वजह से ऐसी क्वालिटी है। तो कोई बात नहीं। और जो उनका बेटा है वो ये अब इसको खड़ा करना है इधर, और पर्सपेक्टिव का भी मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा कि मतलब ऐसे फेक ना लगे, और लाइटिंग वगैरह। तो चलो करते हैं, इसको खड़ा करते हैं इधर। तो बस यही थी एडिटिंग जो थी, जो मैंने भेज दी। क्या तो है ठीक है ऐसे बोले ठीक है, पता नहीं अच्छी लगी या नहीं। तो और बाकी मेरे को बताओ जो गांधी जी बनाए एआई की मदद से वो भी कैसे लगे, कमेंट में मेरे को बताओ। और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और सब कुछ कर दो, बस रिपोर्ट मत करना।
फॉर डिसलाइक। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।